हाँ यार लेट हो गए, यहीं पे 1:30 बज गया यार। जल्दी निकलते हैं पहले तो, ठीक है? चल रहे हैं। तो ये लाइट चली रहेगी, लाइट बंद कर दूँ मैं, एक सेकेंड जरा। चलो ये भी चली रहेगी यार, यहीं पे लेट हो गया यार, 1:30 बज गया इधर ही। अभी पता नहीं वहां जाने में मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही, तो यार लग गया। चलो चल रहे हैं। अब अभी बाहर स्कूटी भी खड़ी है मेरी, पहले तो उसे स्टार्ट करना पड़ेगा यार। 3-4 महीने चलाई नहीं, आजकल चलाता नहीं मैं स्कूटी। चलो भाई चल रहे हैं। अब ये स्कूटी मेरी, कपड़ा ही मारना पड़ेगा इस पर तो। ये देख रहे हो भाई स्कूटी की हालत कैसी हो रही है, कितनी गंदी हो रही है। मैं वैसे अपनी चीज़ें सारी मेंटेन करके रखता हूँ यार, पर इसमें ना ध्यान नहीं दे पा रहा मैं। इसे भी साफ़ करना पड़ेगा पहले तो। अब स्टार्ट करो इसे इतनी देर। भाई यहाँ मेट्रो में पार्क कर दी स्कूटी अपनी, और किराया ज़्यादा नहीं है यार, 10 रुपये का ही है। तो अब चल रहे हैं यहाँ से हम। मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा झंडे वाला मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो सबसे पास पड़ता है उधर से यार। तो तुम लोग भी अगर आओ ना तो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पे ही आना। आ गए भाई झंडे वाला। ये देखो पीछे झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है। अब मैं तुम लोग को नाई वाला लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे पूरी बाइक की मार्केट है। बाइक में तुम लोग को मॉडिफिकेशन करवाएंगे, जो करवाना है सब हो जाता है उधर। बाइक यूज भी मिल जाती है, तो बाकी उधर चल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई ये मेरे पीछे हनुमान मंदिर देख रहे हो तुम लोग, ये ना शायद हट सकता है इधर से, इसको एयरलिफ्ट करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि इसकी वजह से ना यहाँ पे जाम बहुत लगता है। देख रहे हो अभी भी जाम लगा हुआ है। तो हो सकता है ये आखिरी ब्लॉग हो जिसको तुम लोग को देख रहे हो। भाई ये मेरे पीछे देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे ना सारा स्कूटी मॉडिफिकेशन, बाइक वाइक मॉडिफाई होती है यहाँ पे। देख लो एग्जॉस्ट की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आओ तो ये बाइक वाइक यहाँ से मॉडिफाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सस्ते में हो जाती है यार। तो भाई यार यहाँ पे आ रखे हैं ये मैत्री मोटर्स पे, यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो बाइकों का बहुत सही कलेक्शन है इधर, ये सारी जो बाइक खड़ी है ये सारी इन्हीं की है। और चलो अंदर चल के बात करते हैं जरा भैया से। और भैया कैसे हो, बाइक दिखा दो भैया अच्छी सी, कोई लो बजट वाली जो बाइक्स हों वो दिखा दो सारी। हाँ किस रेंज में, ऐसे स्प्लेंडर वगैरह होती हैं वो सब वैसी बाइक? हाँ इस तरह की बाइक दिखा दो। हाँ मीडियम रेंज, 25-30 की रेंज में। हाँ इतने के बीच में ही दिखा दो। चलो आओ चलते हैं। ये सारी भैया की बाइक्स हैं। देखो मैं तुम्हें एक बार पूरा टूर देता हूँ, उधर से लास्ट से लेके यहाँ तक है, डिस्कवर स्प्लेंडर सब है इधर। तो भैया जरा प्राइस बता दो इन सारी बाइक का। 2016 मॉडल गुजरात है, 2016 मॉडल, 9000 चली हुई है बाइक। गाड़ी बिल्कुल एकदम ओके है, कुछ भी गाड़ी में काम नहीं है। और ये है आपकी जो 40,000 की है, 40,000 इसकी डिमांड है। और बाकी हम प्राइस। और कितना किलोमीटर चली हुई है? 9,000 किलोमीटर चली हुई है यार, और 40,000 की बाइक है। बाइक है वो, देख रहे हो आई एन एफ बजाज भी, सॉरी। और ये वाली 2011 मॉडल है, 23,000 की है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। आज तक इस गाड़ी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, गाड़ी के कुछ भी पार्ट चेंज नहीं, एकदम पूरा टोटल जेन्युइन बाइक है, एकदम ओरिजिनल बॉडी है, जेन्युइन बाइक है। पूरा हेडलाइट तक पूरी ओरिजिनल है इसकी। हाँ सब देख रहे हो, इसका बजाज का लोगो लगा हुआ, ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये है आपकी 45,000 इसकी डिमांड है। 17 मॉडल है, और ये गाड़ी सिर्फ 6,300 चली हुई है, 6,300 चली हुई, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है। 17 मॉडल है ये जी। ओके तो इसका नई का प्राइस 72,000 है। नहीं ये 72,000 की आ रही है, और आप कितनी दे रहे हो? 45,2017 मॉडल, एक साल भी नहीं हुआ अभी बाइक, अभी बाइक को एक साल भी नहीं हुआ, और आधे रेट के बराबर मिल गया। FZ भी है, ये देखो 2015 मॉडल है, वर्जन 2, और ये है 46,000 की, जिसका कि हम प्राइस नेगोशिएट कर देंगे ऑन द स्पॉट। और ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, सिंगल ऑनर गाड़ी है। अच्छा फर्स्ट ओनर है ये गाड़ी? फर्स्ट ओनर बाइक है, 2015 मॉडल है, वर्जन 2, और नई गाड़ी 95,000 की है। अच्छा और आप क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? ये 46 की मिलेगी, 46 की मिलेगी 95,000।
है हमारे पास डिस्कवर कवर है 2013 मॉडल टॉप मॉडल है सेल्फ स्टार्ट डिस्क ब्रेक अलॉय सब है इसमें और ये जो इसका जो प्राइस है ये है 22,000 मॉडल 22,000 की है लो बजट गाड़ी है और माइलेज भी बहुत अच्छी है गाड़ी की टॉप मॉडल है सेल्फ स्टार्ट स्टार्टर वगैरह और कुछ सारे पूरी जेन्युइन बाइक है जेन्युइन पूरी ओरिजिनल है कोई कुछ भी चेंजेस नहीं किए हुए मॉडल है दो हजार बारह मॉडल है वाली पल्सर 29,000 इसकी डिमांड है और जो भी इसका प्राइस है हम कम कर देंगे बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा क्लीन बाइक है बिल्कुल जेन्युइन सब टोटल पेंट और चलो यार अब एक ये स्प्लेंडर है ये देखते हैं एक ये स्प्लेंडर है यहाँ पे हाँ ये इसकी क्या डिमांड है ये 2010 मॉडल है हाँ ये 20,000 जस्ट 20,000 रुपीज की है 2010 मॉडल बिल्कुल जेन्युइन फुल ओरिजिनल बाइक है किलोमीटर चली हुई है भाई बाकी भैया के पास ये वाली बाइक भी आई हुई है देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ NSR रखी है FZ 2500 रखी है और वो CBR भी है 250 प्राइस बताना भैया तीनों का 12,000 किलोमीटर सिंगल ओनर ये वाली अच्छा और ये दोनों 250 दो महीने पुरानी बाइक है जस्ट 2 months ओल्ड मोबाइल होल्डर और चार्जर का है इसका अच्छा हाँ हाँ ये और वो CBR वाली 2016 मॉडल अच्छा और कितनी चली हुई है वो चली हुई है 15,000 प्राइस जस्ट 90,000 उसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है 15,000 एग्जॉस्ट देखते हैं अच्छा ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें ये 15,000 का एग्जॉस्ट है भैया ये 15,000 का एग्जॉस्ट है बहुत अच्छी साउंड बहुत अच्छा है इसका 4-5 बाइक्स और है ये मैं दिखाता हूँ
ये देखो, एक तो आठ पास नया स्टॉक आया बाइक का, 2015 मॉडल है ये, 1,10,000 की है, RC 200, गाड़ी चली हुई सिर्फ 8,000 किलोमीटर चली हुई अभी जस्ट, अभी ये नया स्टॉक नई बाइक्स आई है जो हमने अभी परचेज की है। अच्छा, ये इनमें बिल्कुल कोई काम नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल टच एंड फाइन गाड़ियाँ बिल्कुल पूरी। 2015 ये 2015 मॉडल है। वो कौन सा मॉडल था? 2015 मॉडल है। अच्छा, और 1,10,000 रुपये की है। 1,10,000 की है। और ये 2015 मॉडल है, ये 65 की है, 65 8,000 किलोमीटर चली, सिंगल ऑनर, फर्स्ट ऑनर बाइक। ये सारी जो है फर्स्ट ऑनर बाइक, फर्स्ट ऑनर बाइक सब फर्स्ट ऑनर। 2015 मॉडल है, 390 है, ड्यूक 390 है, 2015 मॉडल, सिंगल ऑनर बाइक है। और ये 1,10,000 रुपये हम इसके डिमांड कर रहे हैं, प्राइस कम कर देंगे। ये चली हुई है आपकी 8,000, नेगोशिएशन तो हो जाएगा ना, 10 बिल्कुल बिल्कुल कम कर देंगे, ऑन टेबल प्राइस तो कम हो ही जाएगा बिल्कुल। और ये तीनों भैया, ये आप 2000, ये जो है 2017 मॉडल है, वर्जन 2 है, नए स्टिकर्स वाली है, नए स्टिकर वाली है, न्यू स्टिकर्स में आई है, 2017 मॉडल। और ये चली हुई है 5,000 किलोमीटर, ये 1,25,000 की है, 125 की है। और ये वाली 2017 मॉडल है, ABS वाली है, 2017 मॉडल है। ये देख सकते हो आप, ABS मॉडल है, 6,000 किलोमीटर चली हुई है, वाइट कलर, हीटिंग वगैरह, कीलिंग वगैरह पॉलिशिंग करा के अब आपको देंगे ये गाड़ी 1,15,000, 1,15,000 में। और एक ये वाली भी है भाई, लाइट ऑन करिए, 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल है, 4,000 किलोमीटर चली है बाइक, बिल्कुल नई बाइक है, टायर से लेकर बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू गाड़ी है, 4,000 किलोमीटर चली है। ये है 3 months ओल्ड बाइक, ये 3 महीने पुरानी बाइक है, 3 महीने पुरानी बाइक है। और इसकी डिमांड जो है हम लोग 70,000 कर रहे हैं, 70,000 डिमांड है, और कम कर देंगे हम प्राइस इसका। ऑन टेबल 3 महीने पुरानी है, और ये PS4 मॉडल है, प्राइस तो कम हो जाएगा, PS4 मॉडल है, कम हो जाएगा। अच्छा, इसलिए लाइट ऑन नहीं होगी। और ये वाली का बताना भाई, ये वाली ड्यूक रहेगी, ये 2016 मॉडल है, 5,000 चली है, ये भी सिंगल ऑनर बाइक है, और बहुत अच्छी बाइक है, बिल्कुल नई बाइक है, बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल कोई गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी में कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, तो क्लीन बाइक है, 2016 मॉडल है, 5,000 चली है, ये 1,15,000 की है, 1,15 की मिल जाएगी, 1,15,000। प्राइस तो सब में कम हो जाएगा ना, प्राइस कम हो जाएगा, ये 1,65,000 रुपये की बिलिंग है इसकी, प्राइस तो हम थोड़ा बहुत तो कम करते ही हैं, जो भी रिस्पेक्ट वाला रिस्पेक्टिव रेट होगा वो हम ऑन द स्पॉट आओगे आप। ओके, यहाँ बाइक की शॉप के आगे भी कुछ बाइक खड़ी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक जो है 700 किलोमीटर चली हुई है, 2017 मॉडल है, 700 किलोमीटर चली है, 700 किलोमीटर, 1,20,000 रुपये आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल नई बाइक है, आप बाइक शोरूम से निकली, 1,20,000 की मिल जाएगी ये बाइक, एक बार तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो तब भी ये देखो भाई, ये बाइक है। और भाई के पास और भी बाइक है, वो देखो ड्यूक वगैरह भी, 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल है, ड्यूक 5,000 चली हुई है, और मिडिल की है, मिड 2017 मॉडल है, इसी साल का मॉडल है, हाँ इसी साल की है, 1,25,000 रुपये इसकी डिमांड। और चली हुई 5,000 किलोमीटर चली हुई भाई ये बाइक। और एक ये है हमारे पास RS 200, ये है आपकी 3 महीने पुरानी बाइक है, 3,000 चली हुई, ये कलर भी नया है ना बाइक, नया कलर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पोर्टी कलर है, ये 2017 मॉडल है, और इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं 1,15,000 रुपये की, 1,15 की भाई ये बाइक मिल जाएगी। कैसा बनाया भैया, कैसा बनाया ये? अच्छा है भाई, शाम ज्यादा हो गई थी तो यही लंच कर रहे हैं, लंच का टाइम तो नहीं है, मैंने शाम हो गई, रोटी एंड सरसों का साग, मजा आया, एंड मूली भी है थोड़ी बहुत, तो चार, तो भाई आई एम डन फॉर द डे, और अब घर चल रहे हैं। अच्छा भाई चलो चलते हैं घर। भाई देखो, तुम लोग ये देख सकते हो, ये सारी बाइकें हैं भैया की, ये वो, और बहुत सही जगह है यार, यहाँ से अभी दो लोग और अपनी बाइक बेच के गए हैं, कोई लेके भी गया है, मेरे सामने एक बाइक घर आ गए, अभी मैं ज़रा वैशाली मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हूँ, ये देखो, अब यहाँ से स्कूटी उठानी है और फिर घर निकलते हैं। और देखो यार, अगर कुछ भी डाउट आउट हो ना, कुछ भी पूछना हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, तो मैं वहाँ से तुम लोग देख लेना, जो पूछना हो पूछ लेना, और बाकी मैं तो भाई सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको बता देता हूँ मैं, और जो भैया का नंबर है ना वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। होम स्वीट होम भाई, अब यार सुबह का निकला हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, पता है अपना थकान हो गई, अब जाके घर आया हूँ, अब कपड़े चेंज मन तो नहीं कर रहा, वैसे करने पड़ेंगे, और फिर
एक नींद लेनी है अच्छी सी, बाकी मैं तुम लोगों को सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई। तो यार बहुत अच्छी नींद आई, आई स्लेप्ट रियली वेल। एंड चलो अब वीडियो की तरह बात करते हैं। मैं जहाँ गया था ना जिस शॉप पे, करण भाई की शॉप पे, मैत्री मोटर्स पे, वहाँ जो तुम लोगों ने रेट देखा अभी, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि वो जो है वो फिक्स रेट नहीं है, तुम जाओगे ऑन टेबल डिस्काउंट काफी हो जाएगा, वो फिक्स रेट नहीं था, डोंट वरी टेंशन मत लो। ये वीडियो जो है ना ये मैंने कई लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया था। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई लो बजट बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ मैसेज करते थे, तो इसलिए फिर ये वीडियो मुझे लगा हाँ यार ये बनाना जरूरी है। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी पूछना हो या किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट हो, तो ये देखो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ से तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना भाई, तो जल्दी से ना भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। एंड मेरे चैनल पे अगर तुम लोग और देखोगे ना, मैंने बाइक्स के सिर्फ ये तो एक वीडियो देख रहे हो तुम लोग, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, जैसे बाइक तुम लोग कहाँ रेंट कर सकते हो, और KTM बाइक्स तुम लोग कहाँ रेंट कर सकते हो, कहाँ से खरीद सकते हो, बुलेट कहाँ से रेंट कर सकते हो, खरीद सकते हो, ये सब मैंने इंडिविजुअल वीडियो सबका बना रखा है। और देखो तुम्हें दिख जाएंगे ये और यहाँ से तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सीइंग विल बी बैक।